मेरे गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे पंजाब के बारे में, दो बातें कहते थे कि पंजाब न हो तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, और दूसरा कहते थे पंजाब न हो तो देश का पेट भर नहीं सकता, दोनों पंजाब ही कर सकता है, पंजाब ही कर सकता है। हमला चाहे बाबर का हो, औरंगजेब का हो या पाकिस्तान का, हमेशा भारत की रक्षा करने का काम मेरे पंजाब से निकले हुए जवानों ने किया है। आज मैं गुरु तेग बहादुर जी को भी बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करना चाहता हूं। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर से आए हुए कश्मीरी पंडितों की बात पर हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिल्ली के दरबार में देने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। ये संदेश है जो आज हिंदू सिख की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो मानते हैं कि हम बचे ही नवम गुरु के बलिदान के कारण, बचे हैं नवम गुरु के बलिदान। ये जो झगड़ा लगाना चाहते हैं उनको गुरु तेग बहादुर जी का जीवन समझना चाहिए। मैं आज महाराणा रणजीत सिंह को भी मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। देश का सम्मान अफगानों के सामने बचाना हो या अंग्रेजों के सामने बचाना हो, महाराजा ने हमेशा पंजाब के शेर की भांति देश का सम्मान बचाया। मैं यहां आया हूं लुधियाना वालों, पूरे देश में घूमता अंत में पंजाब आया हूं। 5 चरण के चुनाव का मेरे पास रिपोर्ट है, कल 6ठा चरण भी हो गया है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? और जोर से बोलो, जानना है क्या? 5 चरण के बाद मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं, और एक 6ठा और 7वां मोदी जी को 400 पार लगाने वाला है। 4 तारीख को 400 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को 2 हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। भाजपा की सरकार तो बन रही है, मगर मोदी जी की माला में आप यहां से भी कुछ कमल भेज दीजिए, वो पंजाब को खुशहाल बनाए। ए रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है, 5 साल से दोस्त बना है मेरा। मैंने संसद में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के एमपी थे तब भी कहा था, रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है, और जिन्होंने भी इनके दादाजी की हत्या की है उनको हम माफ नहीं कर सकते। नहीं भाइयों बहनों, आज मैं अपील करने आया हूं, ये रवनीत बिट्टू को लुधियाने से दिल्ली की संसद में भेजिए, इसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। बताओ भेजेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, भेजेंगे क्या? भाइयों और बहनों, 4 जून को 400 से ज्यादा सीट आनी है, और 1 जून को केजरीवाल जी को जेल जाना है, और 6 जून को राहुल बाबा वैकेशन पर बैंकॉक जा रहे हैं।
भाइयों बहनों, ये मुकाबला किसके बीच में है? एक और थोड़ी गर्मी तपते ही बैंकॉक थाईलैंड जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बाद दीपावली के दिन भी छुट्टी बनाए बगैर सरहद पर जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और ये आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो देश भर में तो गले मिलकर चलते हैं, जैसे ही पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है जानी दुश्मन बन जाते हैं। भारत माता की मैं आज आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पूछना आया हूं, भैया दिल्ली में आपका समाधान है? आपका दिल्ली में समाधान है, हरियाणा में समाधान है, गुजरात में समाधान है, तो पंजाब में क्यों नूरा कुश्ती कर रहे हो? काहे क्यों कर रहे हो? भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, एक गवंडिया गठबंधन जो मोदी साहब के सामने चुनाव लड़ रहा है, इसका इतिहास क्या है? एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने, और भाइयों बहनों दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, मगर 25 पैसे का आरोप मोदी जी पर कोई नहीं लगा सका, कोई। भाइयों बहनों, ये सारे लोग चुनाव जीतने के लिए हिंदू सिख की बात कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनाया और राम मंदिर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी देश आजाद हुआ तब होती तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा पाकिस्तान में न होता, भारत में होता, भारत में। मोदी जी ने ठीक ही कहा, 71 में लड़ाई हारे थे, 1 लाख सैनिक अपने यहां गिरफ्तारी में था, अरे उस वक्त भी करतारपुर साहिब मांग लेते तो देना पड़ता, मगर याद नहीं। इसके बाद सालों से दुनिया भर के सिख हिंदू मांग करते रहे एक कॉरिडोर बन जाए, हम नानक देव महाराज को श्रद्धांजलि दे, उनका स्मरण कर पाए, नहीं बनाया। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने। और 70 साल से ये राम जन्मभूमि का मंदिर एक कांग्रेस पार्टी अटका कर रखी थी, भटका कर रखी थी, लटका कर रखी थी, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, न केवल करतारपुर साहिब, न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम किया, और सोमनाथ का मंदिर भी सोने से मढ़ने का काम चालू हो चुका है। भाइयों बहनों, चालू हो चुका।